ये जो मॉल है ये सिटी ऑफ मिसिसागा के अंदर एरन मिल्स टाउन सेंटर का मॉल है। बहुत बड़ा मॉल है। अगेन यहाँ पे हडसन बे का आउटलेट भी है और ये सब सारे ये न्यू किस्म के यहाँ पे कॉन्डोमिनियम्स वगैरह बने हुए हैं। काफ़ी ग्रीनरी वगैरह है, पार्क्स वगैरह भी काफ़ी हैं और बड़े बड़े स्टोर्स हैं इस मॉल के अंदर। यहाँ की ख़ास बात ये है कि यहाँ पे मिसागा के अंदर जो है ना वो कॉन्डोमिनियम्स यानी जो अपार्टमेंट्स वगैरह हैं उनकी बड़ी कंस्ट्रक्शन चल रही है। नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और काफ़ी जो है ना यहाँ पे ये चल रहा है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन, ये सब सारे ये प्रोजेक्ट्स वगैरह बन रहे हैं यहाँ पे, अपार्टमेंट्स वगैरह भी। लेकिन ये कि अब कुव्वत खरीद से चीज़ें जो है ना वो बहुत बाहर हो गई हैं। कोई भी अपार्टमेंट जो है ना वो 600 700 1000 डॉलर जो है ना उसका चला गया है। मिनिमम की बात कर रहा हूँ, तकरीबन यानी 5 लाख 6 लाख 7 लाख डॉलर से अपार्टमेंट्स वगैरह मिलने हैं और घरों को तो आग ही लगी हुई है, मतलब मिलियंस पे पहुँच गए, मिलियन डॉलर के ऊपर इस तरह से। तो बस लिविंग जो है ना वो बड़ी मुश्किल है यहाँ पे, ख़ासतौर पर जो न्यू कमर्स वगैरह आएंगे यहाँ पे या जो आ रहे हैं उनकी लाइफ बहुत चैलेंजिंग होगी। क्योंकि रेंट आपने आदमी रेंट पे लेना है, तो इस तरह की अगर आप बिल्डिंग्स में अगर आप जाएंगे ना, ये जो कॉन्डोमिनियम है इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर आपको काफ़ी फैसिलिटीज़ वगैरह मिलती हैं। आपके पास स्विमिंग पूल होता है, जिम होता है और सेंट्रल एयर कंडीशन होता है, हीटिंग सिस्टम होता है, लॉकर्स होते हैं, अंडरग्राउंड पार्किंग होती है। तो ये कॉन्डोमिनियम्स के अंदर जो है ना ये फैसिलिटीज़ होती है। तो ये तकरीबन इस वक्त जो पहुँचेगा ना जनाब, मेरे हिसाब से कम ये 2700 2800 तकरीबन 3000 डॉलर के ऊपर जो ना ये इसका मामला पहुंच चुका होगा। तो इस बात से अंदाज़ा लगा लें आप कि अगर आप इतना खाली अगर आप रेंट में ही दे देंगे तो बाकी फिर आप क्या करेंगे, किस तरह से करेंगे बस। क्योंकि मिनिमम वेज जो है यहाँ पे जो स्टार्टिंग होगी वो 17 डॉलर एन आवर है और एक वीक के 40 घंटे मिलते हैं। तो जो आपका टेक आउट जो है ना, जो आप महीने के बाद कटकटा के जो लेके जाएंगे, तकरीबन मैं 2500 इस तरीके से, बहुत तीर मार लिया आपने तो, मतलब मिनिमम वेज की बात करो 3000, चलो आपने पार्ट टाइम जॉब करके कर लिया कुछ ना कुछ। लेकिन ये कि इसमें टैक्सेस भी होते हैं, लेकिन उसमें ये कि शॉर्टेज ऑफ वर्क भी इसके अंदर आता है, हायरिंग फायरिंग भी होती है, तो ये सारे चैलेंजेस हैं। तो ये सब मॉल के अंदर का हिस्सा है। पहले मैंने बाहर का दिखाया था, अब ये अंदर का दिखा रहा हूँ। काफ़ी बड़ी बड़ी यहाँ पे शॉप है और ये 2 फ्लोर के ऊपर है, एक बेसमेंट में है और एक जो है वो नीचे है। सुबह का टाइम है, तकरीबन सुबह के 10:30 बज रहे हैं, तो इस वजह से मॉल भी इतना जो है ना ज़्यादा बिजी नहीं है। ये सब ये यहाँ पे इनका ये बोर्ड लगा हुआ है कहाँ जाना है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगी। अगेन मॉल का नाम है एरन मिल्स टाउन सेंटर। ये सारा ये नीचे भी है, सब बेसमेंट के अंदर अच्छी शॉप है। तो ये कुछ मॉल्स वगैरह की मैंने वीडियोस बनाई हैं, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। एस्केलेटर वगैरह भी चल रहा है। वो अगेन सामने हडसन बे का जो है वो स्टोर आ गया। बहुत ही नीट एंड क्लीन और ये साफ सुथरे किस्म के मॉल्स हैं सारे। मैं जहाँ जहाँ भी मैं भी गया हूँ, नीचे नहीं जा रहा मैं, तो ये सामने क्या रहा है लग रहा है किसी अरबी की दुकान है। बहुत ही खूबसूरत किस्म की दुकान है सारे यहाँ पे, पानू सॉरी सब लगे हुए।
फर्नीचर की दुकान है। आगे जो है वो यार्डसन बे जो है, बेसमेंट में भी है और अपस्टेयर्स भी है। ये बेसमेंट में और ये जो है ये अपस्टेयर्स, बहुत बड़ा स्टोर है यार्डसन बे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब द कैनेडियन रोटर। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।